सियासी गलियारों में इन दिनों एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बदलते रुख की काफी चर्चा है। वीर सावरकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन पवार ने दोनों ही मामलों को ज्यादा तूल नहीं दिया। उल्टे दोनों मामले में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। अब अडानी के मामले में भी पवार ने कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दलों से अलग रुख अख्तियार किया है। इससे राजनीतिक महकमे में पवार एक बार फिर चर्चा में है। गौरतलब है कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले को लेकर कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल बीते दिनों आक्रामक रहे। सदन से लेकर सड़क तक विरोध हुआ, लेकिन शरद पवार खामोश रहे। सोमवार को पवार ने साफ किया कि अडानी मामले की जेपीसी से जांच कराने का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी, जबकि इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को भी नहीं पता। शरद पवार ने कहा कि हमने तो इस फर्म का नाम तक नहीं सुना था। पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बनाए गए नैरेटिव की आलोचना की। शरद पवार ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया, लेकिन जेपीसी बनाने से मामला सुलझेगा नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ही सच्चाई देश के सामने आएगी। पवार ने अडानी समूह की तुलना टाटा बिरला से करते हुए कहा कि जब हम राजनीति में आए थे तब सरकार पर हमला करने के लिए टाटा बिरला जैसी कंपनियों पर हमले किए जाते थे। बाद में पता चला कि टाटा का इस देश में कितना बड़ा योगदान है। आजकल टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी पर हमला किया जाता रहा है, जबकि बिजली क्षेत्र में अडानी का अहम योगदान है और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अंबानी का योगदान है। बीते दिनों शरद पवार की तरफ से आई ये तमाम ऐसे बयान हैं जिनके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या शरद पवार का झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का जब मामला उछला, आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, तो शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के एक और वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने इस मामले में खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। अजीत पवार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 2014 से सत्ता में हैं। 2014 में जब उन्होंने सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब वो किसी डिग्री के बलबूते पर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व के दम पर था। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में आए, उनकी सरकार आए, एनडीए की सरकार आए, 9 साल बीत चुके हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि देश में और भी तमाम बड़े मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।